जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषी डॉक्टर संध्या सक्सेना, हरिद्वार उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने आई हूँ एक ऐसा उपाय जिससे आप भगवान शंकर से अपनी कोई भी इच्छा को पूरा करा सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि क्या विश पूरी हो जाती है, तो मैं कहती हूँ कि हाँ बिल्कुल होती है। अगर आप पत्थर को ईश्वर मानते हैं विश्वास के साथ, तो वो ईश्वर बन जाता है। वही पत्थर को अगर आप पत्थर मान के पूजेंगे तो पत्थर ही बना रहता है। हमारे बहुत सारे ऐसे जो हैं पुराण हैं जिसमें बताया हुआ है अहिल्या देवी जो एक पत्थर की थी, भगवान रामचंद्र जी के विश्वास के साथ पैर पड़ता है और वो वापस स्त्री बन जाती है। पूरा महादेव के बारे में कहा जाता है जो कि मेरठ में है, वो संसार का पहला वो शिवलिंग है जिस पे कावड़ चली थी, चढ़ी थी। और सबसे पहली कावड़ जो शिवलिंग पे चढ़ी थी उसको जो है डालने वाले कौन थे? परशुराम देवता। और हुआ ये था कि परशुराम जी ने अपनी माँ का सर काट दिया था अपने पिता के कहने पे, क्योंकि उनके पिता को अपनी पत्नी पे शक हुआ था। और उसके बाद उनको बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपनी माँ को इस तरह से मार दिया। वो इतना रोए, उन्होंने तपस्या किया और उनके आंसुओं से वहाँ पे एक शिवलिंग प्रकट हुआ। और शिवलिंग पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ को दोबारा पाना चाहता हूँ, प्रायश्चित करना चाहता हूँ अपने पाप का। तो भगवान ने कहा कि तुम मुझ पे जल चढ़ाओगे, तुम्हारी माँ जिंदा हो जाएगी। और तब सबसे पहले भगवान परशुराम ही थे जो कांवड़ लेके आए थे गंगा जी से भर के, और उन्होंने मेरठ स्थित उस पूरा महादेव पे कांवड़ चढ़ाई थी सबसे पहली, और उसके आशीर्वाद से उनकी माँ जिंदा हो गई। आज भी वो पूरा महादेव का जो शिवलिंग है वो है, मैंने आपको इसके दर्शन भी कराए थे। तो यानी कि अगर आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। शिवलिंग का ही मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगी, ये तीन उपाय होंगे। ये शादी के लिए भी होगा, आपकी आमदनी और तरक्की और दुकान के लिए, प्रोफेशन के लिए भी होगा, और कर्जे और नौकरी के लिए भी होगा। तीन उपाय हैं, छोटे छोटे बताऊंगी आपको, जो सद में आता है आप कर लीजिए, आपकी जिस चीज़ के लिए भी लगता है। तो पहली बात करेंगे दुकान की। अगर आपकी दुकान में प्रॉब्लम है, दुकान नहीं चल रही है, दुकान में ग्राहक उतने नहीं आते हैं जितने आप सोचते हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिएगा। भगवान शंकर के मंदिर में जाइए और वहाँ पर एक छोटा सा त्रिशूल ले जाइएगा। ये त्रिशूल छोटे छोटे मिल जाते हैं मार्केट में, ठीक है, वो त्रिशूल लेके जाइएगा और भगवान के मंदिर में उस त्रिशूल को शिवलिंग के पास चढ़ा दीजिएगा। और वहाँ पे महादेव से प्रार्थना करना कि हे महादेव, मैं आपको त्रिशूल चढ़ाने आया हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मेरी जो भी शॉप है, जो भी मेरी दुकान है, उस पर जो भी हाय है, बद्दुआ है, नज़र है, दोष है, या कोई और कारण है, कोई वास्तु दोष है, कुछ भी हो सकता है जिसको आप, या मेरी कुंडली के ग्रहों की वजह से कोई दिक्कत है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सबको ठीक कर दो, बस इसलिए मैं आपको ये त्रिशूल चढ़ाने आया हूँ या आने आई हूँ। और थोड़ा सा सफ़ेद कोई भी प्रसाद, कोई मिठाई जैसे बर्फ़ी वगैरह रख दो, या चावल की खीर भी चढ़ा सकते हैं, भगवान को बहुत पसंद है महादेव को, उसको आप बस दे दीजिए वहाँ पे। और वहाँ थोड़ी देर बैठ के भगवान का ध्यान कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए। शिवाय का जाप से याद आया कि मैं हमेशा बोलती हूँ हर हर महादेव, लेकिन आपको पता है कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि हम हमेशा हर हर महादेव बोलते हैं, यानी कि महादेव मेरे कष्टों को दूर करो, दूर करो, दूर करो, हर हर महादेव। लेकिन कितना सुंदर हो अगर हम ऐसा कहें हरि हर महादेव, हरि हर महादेव। हरि कौन है? भगवान विष्णु है। हर कौन है? महादेव है। तो हरि हर महादेव भी आप बोल सकते हैं। तो आपको वहाँ पे जाके आप भगवान शंकर का नमः शिवाय का थोड़ा जाप कीजिएगा। जाप करने के बाद वहाँ जो प्यारा सा आपने त्रिशूल रखा है उसे उठा लीजिए। ये पूजा आपको मंगलवार के दिन करनी है और मंगलवार को ही फिर वो शिवलिंग को त्रिशूल उठा लेंगे, सीधे अपनी शॉप पे जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, या अपने प्रतिष्ठान पे जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, या आपका जो दुकान है, आपका ऑफिस है, या जो भी आपका प्रतिष्ठान है वहाँ जाएंगे और सीधे जाके वहाँ पर उस त्रिशूल को, अपनी जो आपने पूजा बनाई है अपने घर, वहाँ के ऑफिस की, शॉप की, जो भी है दुकान की, अगर वो आपके घर में ही है तो आपके घर की जो दुकान में आपने छोटा सा मंदिर बनाया है वहाँ पे आप उस त्रिशूल को लगा दीजिए।
आप देखेंगे इसका इतना बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी दुकान बढ़िया तरीके से चलने लगेगी। तो ये था उपाय नंबर एक। दूसरे नंबर पे अगर आपके पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, कर्जे से आप इतना परेशान है कि आपका कर्जा नहीं निपट पा रहा है और पैसे की आमद भी बहुत कम हो गई है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आपको कर्जा निपटाना है, पैसे की आमद चाहिए है, तो ऐसे में भगवान शंकर से आप किस तरीके से अपनी इच्छा पूरी करा सकते हैं? तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, आपको जितना भी पैसे की आमद आप चाहते हैं, या आपका अगर कोई लोन है जो चुक नहीं पा रहा है, मान के चलते हैं कि आपका 5 लाख का लोन हो गया है और वो नहीं चुका पा रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक नोट लेना है, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, जैसे आपकी श्रद्धा, 100 रुपये का, 500 रुपये का, 200 रुपये का, कुछ भी ले सकते हैं। उस नोट पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, पेंसिल से लिखेंगे कि हे गणेश जी महाराज, हे शंकर जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरा 5 लाख का लोन चुक गया है, मैं सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको लिखना है। अगर आप लड़की हैं तो मुक्त हो गई हूँ, मुक्त हो गई हूँ, मुक्त हो गई हूँ। ऐसा बोलने के बाद आपको फिर उस नोट के अंदर एक दालचीनी की एक लंबी सी लकड़ी लेंगे और उसको नोट के अंदर रखकर उसको रोल कर देंगे, किसको, नोट को, और उस पर एक कलावा बांध के आपने जो बोला है कि मैं अपने कर्जे से मुक्त हो गई हूँ, 5 लाख के, 6 लाख के, जो भी आपने बोला है, उसको धराते हुए आपको बस दालचीनी के स्टिक पे कलावा बांध के गांठ लगाकर भगवान के मंदिर में आपको किसी गुल्लक में या उनका जहाँ पे भी रखते हैं वहाँ पर आप ये पैसे चढ़ा के आ जाएंगे शंकर जी के मंदिर में। साथ में एक लोटा जल चढ़ा देना, और पहले लोटा जल चढ़ा देना, फिर ऊपर थोड़ा सा एक मुट्ठी कच्चा चावल डाल देंगे, आपको उसका तुरंत फ़ायदा होगा। आप देखेंगे आपका बहुत तेज़ी से कर्जा ख़त्म होगा। अगर आप इस प्रयोग को रिपीट करना चाहें तो आप इसको 3 सोमवार रिपीट कर सकते हैं। अब आप 10 के नोट लगा लो, 20 के नोट लगा लो, 50 के नोट लगा लो, जैसे आपको सही लगे। तो ये दो उपाय मैंने आपको संस्थान को चलाने का भी बताया, ये मैंने आपको उपाय बताया कि आप किस तरीके से अपना कर्जा निपटा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि लौंग का प्रयोग करते हुए आपको अपनी मनोकामना पूर्ति करनी हो या मनपसंद विवाह करना हो तो क्या करेंगे। अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा है और आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो 36 यानी कि 36 लौंग लेनी है आपको। मंगलवार के दिन आप भगवान के मंदिर जाएंगे, एक एक लौंग पर आपको अपनी विश बोलनी है कि हे महादेव, मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूँ या करती हूँ, मैं फला फला को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मेरी शादी में जो भी रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो, मेरा साथी मुझसे प्यार करे, मुझे अपना ले, जो भी आपको बोलना है उस तरह से बोलेंगे। एक एक लौंग पे 3-3 बार बोल के फिर उसको शहद में डिप करके भगवान को भेंट चढ़ाएंगे। शहद जो है वो सूर्य होता है, लौंग शनि होती है, और शिव तो शिव हैं, चावल चंद्रमा होते हैं, जल वरुण देवता होते हैं, शुक्र में आते हैं और चंद्रमा में भी आते हैं, और ये सारी ही चीज़ें जो हैं भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, और शनिदेव जो हैं वो भगवान शिव के भक्त हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक लौंग पे 3-3 बार अपनी विश बोलेंगे और उसको चढ़ाते चले जाएंगे। आप इसको सोमवार कर लो, 7 सोमवार कर लो, विश पूरी हो जाएगी। अब आप बोलोगे माँ 7 सोमवार तो बहुत लंबे हो गए, तो फिर आप चिंता मत करो, सावन का महीना चल रहा है और अभी पूरे ये अगस्त के महीने में आपको 4 सोमवार पड़ सकते हैं, सितंबर में भी 4 सोमवार पड़ेंगे 8, तो आपका हर हाल में ये नवंबर से पहले, अक्टूबर से पहले शुरू पूरा हो जाएगा। और 15 अक्टूबर तक तो वैसे भी आपका ऐसा पक्ष चल रहा है जहाँ किसी लड़के या लड़की की शादी तय नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो पक्ष चलेगा 15 अक्टूबर तक उसमें शादियाँ नहीं होती, तो आप बड़े सेफ हैं। ऐसे में आप यदि किसी को पसंद करते हैं उसके लिए पूजा करना चाहें, किसी को बुलाने के लिए करना चाहें, तो वो करना है। और हाँ, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि काली माँ की या भैरव बाबा की पूजा या भगवान शंकर की पूजा जो है हम करवाना चाहते हैं। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको अपना नाम
आप सीधे सिर्फ आप ये लिखते हैं कि हमें पूजा करवानी है, आप हमारी पूजा करवा दीजिए, तो आपको पर्पस भी बताना होगा। आपको अपना नाम, फोटो, एज, प्लेस बता दीजिए, आपका पर्पस ऑफ पूजा बता दीजिए कि आप क्यों पूजा करवाना चाहते हैं, आप किस देवी या देवता की पूजा कराना चाहते हैं, आपको वो बताना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको अपनी फ़ोटो रीडिंग करवानी है तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग एकदम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा फ्री हूँ। मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ कि पूरी पूरी रात हो जाती है, मैसेज पढ़ते पढ़ते दिन निकल जाता है, हमारे पास मैसेज बहुत आते हैं और हम नीचे से मैसेज पढ़ना शुरू करते हैं, पर लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी मैसेज किया है तो मैं तुरंत जवाब दे दूँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, कभी कभी वेट लग जाता है, तो 15-15 दिन में भी, एक एक 1.5 महीने में भी लोगों के नंबर आते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप मैक्सिमम जो है मेरे यूट्यूब के वीडियोस देखो और अपने उपाय कर लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो कि मुझसे बिना बात किए आप रह नहीं सकते हैं, तो आप मैसेज कीजिए। जवाब तो मैं सबको दूँगी, चाहे 2-4 दिन रुक के दूँ, 10 दिन रुक के दूँ, लेकिन मैं स्किप किसी को नहीं करती हूँ, रिप्लाई तो मैं सबको करती हूँ, ये मेरी आदत है। लेकिन इसके साथ साथ पे अगर आप पर्सनल कॉल अपॉइंटमेंट मुझसे लेना चाहते हैं, आप पर्सनली मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमसे पूछ सकते हैं। पर्सनली अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपको बता दिया जाएगा। पर्सनल कॉल अपॉइंटमेंट और पर्सनल मिलने के लिए अगर आपको चाहिए, जैसे बहुत सारे फॉरनर्स हैं जो विदेश में बैठे हैं, लड़के लड़कियाँ, वो लोग मुझसे स्पेशली पर्सनली बात करने के लिए या पर्सनली मिलने के लिए बात करते हैं, या फिर और भी कुछ लोग हैं जो मुंबई वगैरह के हैं, बड़े बड़े से बेंगलोर वगैरह से जो आते हैं कॉल्स, महाराष्ट्र, गुजरात से, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें आपसे पर्सनली मिलना है या पर्सनली बात करनी है, तो उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए नंबर आपको नीचे दिया हुआ है।